प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को शनिवार को बड़ी सौगात दी। ईटानगर में उन्होंने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए बधाई दी। बता दें कि साल 2019 में पीएम ने इस एयरपोर्ट की नींव रखी थी, जो 645 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अलावा 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का लोकार्पण किया। कामिंग पनबिजली परियोजना को पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 8,450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं, हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, वो समय चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश आने पर अपनी खुशी भी जाहिर की। जब भी आता हूं, एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के जाता हूं। कभी उदासीनता, निराशा अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर झलकती नहीं है। और अनुशासन, ये मेरे अरुणाचल के हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में नजर आता है। बता दें कि ईटानगर में हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा सपना था कि हमारे प्रदेश की राजधानी में एयरपोर्ट बने। आज पीएम मोदी के प्रयास से ये सपना साकार हो गया है। उन्होंने इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं।